तो अब बात ऐसी है कि जो आपका बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है वो फाइनली आपका मोबाइल फोन्स में बीटा एक्सेस पे लॉन्च हो चुका है। लेकिन अब उन बंदों का क्या जो कि पीसी में एमुलेटर लगाए गेम खेलते हैं, क्योंकि अभी तक एमुलेटर के लिए बैटल ग्राउंड ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं बताया। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को अपने गेमिंग पीसी या फिर एक नॉर्मल पीसी के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसका जो प्रोसेस होगा उसको जरा सा भी आप लोग एस्के मत करना, अदरवाइज हो सकता है कि आप लोगों का गेम वर्क ना करे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दे के रखी है जो कि है आपके ब्लू स्टैक्स 5 की। एक बात ध्यान रखना कि जिस समय आप इस लिंक में क्लिक करोगे तो जो आपको एमुलेटर डाउनलोड करना है वो है आपका ब्लू स्टैक्स 5। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आपका ब्लू स्टैक्स 4 पे वर्क नहीं करता है। एंड जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपके सामने इसका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसके बाद आप लोगों को इस इंस्टॉलर की मदद से आपको अपने ब्लू स्टैक्स 5 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस समय आप लोगों को एक बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जिस समय आप इसको इंस्टॉल कर रहे होगे उस समय अगर आपका नेटवर्क बीच में कहीं एरर या फिर ग्लिच हो जाता है तो आपको इसको दोबारा से फिर से इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। एंड जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का आइकन आ जाएगा जो कि दिखने में ना बहुत सारे रेमबो टाइप लगता है। एंड जिस समय आप इस पर डबल टैप करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। पहले ही बता दूं कि मैंने बैटल ग्राउंड को पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए आपको एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एंड ध्यान रखना कि आपके सामने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नहीं आएगा। एक बात और कि इस बार जो बैटल ग्राउंड की ऑफिशियल पार्टनरशिप है वो इनके साथ हुई है, इस वजह से आप इस बार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या फिर पबजी को आप गेम लूप या फिर नॉक्स प्लेयर के अंदर नहीं खेल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने एमुलेटर के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। एंड इसमें आप लोगों को अपनी आईडी को लॉगिन करना है जिस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर करते हो। एंड जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लोगे तो अगर आप इसमें सर्च करोगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया तो आप लोगों के सामने लिख के आएगा प्री रजिस्टर। जी हाँ, आप लोगों के सामने कोई भी इंस्टॉलेशन का बटन नहीं आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने इसके जो कि आपका ब्लू स्टैक्स का गूगल क्रोम है इसको ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही आप इसे ओपन कर लोगे तो आपको फिर इसमें जाके सर्च करना होगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। इस बात का ध्यान रखना कि आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो जैसे ही आप नीचे आ जाओगे तो आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। और पहले बता दूं कि हम लोग इसको प्ले स्टोर के ऊपर से ही डाउनलोड करेंगे, हम इसे किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करेंगे। तो जैसे आप नीचे तरफ को आओगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा अर्ली एक्सेस नाउ का, तो इसमें आपको टैप कर देना है। एंड जैसे आप इस पर टैप कर दोगे तो आपके पास ध्यान रखना है कि इसमें आपको अपनी वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो कि आपने अपने ब्लू स्टैक्स के एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर डाला था। और अगर आप और कोई ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो मैं फटाफट अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। तो जिस समय आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दोगे तो आप लोगों के सामने फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान रखना कि अभी भी आपके प्ले स्टोर के ऊपर आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई नहीं देगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जो साइड में जो आइकन दिख रहा है तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड जैसे आप इसको टैप करोगे तो आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो सबसे ऊपर दिखाई देगी। तो आपको अपनी ईमेल आईडी को चूज करना है, कर लेना है। एंड ऐसे ही आपको इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 बार करना होगा। तो बार बार आपको सेम काम करना है कि आपको इस आइकन पर टैप करके बार बार अपनी ईमेल आईडी को चूज कर लेना है। एंड हमारा जो आधा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब आपको अपने जो गूगल क्रोम है इसको आपको कट कर देना है। जैसे ही आप इसको कट कर दोगे एंड जैसे आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया तो अब आपका जो इंस्टॉल का बटन है वो आ चुका होगा। होप यू कि आपने सारे स्टेप बहुत ध्यान से देखे होंगे। लेकिन अभी भी आप लोग वीडियो कट मत करना क्योंकि अभी एक स्टेप बाकी रह गया है। तो अब आपको होम में आ जाना है। एंड जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपका जो नॉर्मल ओपन होगा जैसा कि आपका मोबाइल फोन में होता है। हो सकता है कि आप लोगों में काफी लोगों की मैपिंग की दिक्कत आ रही हो तो आपको क्या करना है कि जो आपका ये गेम कंट्रोल का साइड में आइकन दिख रहा है इसमें आपको टैग करके इसको स्मार्ट चूज कर लेना है। तो स्मार्ट में क्या होगा कि ये आपका ऑटोमेटिक ही जो आपके की होंगे उनको मैप कर लेगा। एंड ये आपका फाइनली इस तरीके से चालू हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको एक दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है जो कि है कि आपका अभी इसमें जो 90 FPS का ऑप्शन होगा
वो अनलॉक नहीं होगा। तो वो आपको किस तरीके से अनलॉक करना है, पहले मैं आपको अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी सेटिंग में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेरे ग्राफिक हैं वो आपके स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है, और बात अगर अल्ट्रा एचडी की आती है तो यहाँ लिख के आता है दिस ऑप्शन विल बी अवेल ऑन योर डिवाइस सून, मतलब कि जो आपका ब्लू स्टैक्स है वो अभी इस ऑप्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों को भी इसमें 90 FPS को अनलॉक करना है, जो आपको ऊपर जो तीन लाइन दिख रही है इनके ऊपर आपको टैप करके सेटिंग में आ जाना है। एंड जैसे आप सेटिंग में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस सेटिंग का। एंड जैसे आप डिवाइस सेटिंग में जाओगे तो आपको सिंपली जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर हो उसको सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन जो आपकी डिवाइस प्रोफाइल है वहाँ पर आपको चूज करना है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। जैसे आप इसको चूज कर लोगे फाइनली जो आपका 90 FPS का ऑप्शन है वो अनलॉक हो चुका होगा। आप में से कुछ लोगों को अगर की मैपिंग में दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।